क्या बताएं। चलिए ऐप पर नहीं है ना। लास्ट हम लोगों ने क्या क्या था, अगला चैप्टर शुरू होने वाला था ये ना। ओके बहुत इजी। कल हो जाएगा लास्ट। आइए साइन 15 डिग्री, ध्यान से सुनिएगा। तैयार हैं सब लोग? अब यहां से अगला चैप्टर है। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि 0 से 90 तक पढ़ा है ना, कुछ ऐसे वैल्यू हैं जिसको और पढ़ना है, ठीक है ना। सब तैयार हैं? ओके। साइन 15 है, क्या इसे आप 45 माइनस 30 लिख सकते हैं? साइन 15 को 45 माइनस 30 लिख सकते हैं ना। तो ये फार्मूला हो गया साइन ए माइनस बी का। किसका? साइन ए माइनस बी का। साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, यही होता है ना। साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है ना। ओके। साइन 45 क्या होता है? 1 बाई और कॉस 30 रूट 3/2। साइन कॉस 45 1/√2, साइन 30 1/2। एलसीएम हो गया 2√2। एलसीएम क्या हो गया? 2√2 है ना। एलसीएम हो गया 2√2, ऊपर हो गया √3 − 1, ठीक है। तो यही आंसर हो गया इसका, साइन 15 का। साइन 15 डिग्री बराबर √3 − 1/√2 है ना। साइन 15 बराबर √3 − 1/√2, ठीक है ना, याद रहेगा। साइन 15 है ना, √3 − 1/√2 ये होता है इसका वैल्यू, ठीक। वैसे कॉस 15 निकालेंगे, कॉस 15 वही सेम प्रोसेस, 45 − 30 कॉस ए माइनस बी क्या होता है? यस यस यस, कॉस ए इंटू कॉस बी, और माइनस में प्लस होता है, साइन ए इंटू साइन बी, ये होता है ना। कॉस 45 क्या होता है और कॉस 30, साइन 45 साइन 30। एलसीएम लेंगे इसका तो 2√, तो ऊपर क्या हो जाएगा? √3 + 1। तो यही आंसर हो गया कॉस 15 का। कॉस 15 डिग्री बराबर, बस वहां माइनस होता है, यहां प्लस होता है। कॉस 15 बराबर √3 + 1/√2, ठीक है ना जी। दिखाई दे रहा है क्या बात कर रहे हैं? कॉस 15, ठीक है भाई, आपको दिखाई दे रहा है? भाई साहब ना दिखाई दे रहा। अच्छा बताओ, अब हम बात करें टेन 15 डिग्री, टेन 15 डिग्री का मान, ठीक। तो गौर से देखिएगा टेन 15 का मान। अच्छा, टेन 15 डिग्री का मतलब कॉस साइन 15/ कॉस 15, साइन 15/ साइन 15/ कॉस 15, यही ना होता है। टेन 15 बराबर साइन बाई कॉस, टेन बराबर साइन बाई कॉस। साइन 15 का वैल्यू क्या होता है? √3 − 1/√2,
टू रूट टू, और कॉस 15 का रूट 3 प्लस 1 अपॉन टू रूट टू, तो टू रूट टू तो कट जाएगा। टेन 15 डिग्री बराबर रूट 3 माइनस 1 और रूट 3 प्लस 1। टेन 15 बराबर रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1, ठीक। और नीचे रूट देख रहा है वो गुस्सा आ जाता है ना, क्या करेंगे तो कंजुगेट से, तो इसका कंजुगेट माइनस होगा तो ऊपर हो जाएगा होल स्क्वायर 3 और 1 4 माइनस 2 रूट, और नीचे 3 में से 1 गया है ना, ऊपर हो गया 4 माइनस 2 रूट 3 डिवाइड बाय 2। टेन 15 दो कॉमन ले लो तो 2 माइनस का हो जाएगा, दो कॉमन लेकर दो काट दो तो 2 माइनस रूट 3 है ना, तो टेन 15 का वैल्यू है 2 माइनस रूट 3, क्या होता है टेन 15 2 माइनस रूट 3, ठीक है ना। टेन 15 बराबर 2 माइनस रूट 3, टेन 15 बराबर 2 माइनस रूट 3, ठीक है ना। तो ऐसे करके टेन 15 का वैल्यू आ गया 2 माइनस रूट 3, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। टेन 15 बराबर 2 माइनस रूट 3, ठीक है भाई, ओके मिटा दो इसको। अच्छा नहीं मिटाता हूँ, क्या दिक्कत है, यहाँ जगह है। ये बताइए 15 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन होगा, 75, 75 होगा। तो हम बोलेंगे साइन 75 का मान क्या होगा, तो साइन 75 का मान कॉस 15 के बराबर होगा। हम बोलेंगे आपसे कि कॉस 75 का मान क्या होगा, आप बोलेंगे साइन 15 के बराबर होगा, हाँ या ना, ठीक है ना, ओके। तो कॉस 15 का मान था कितना, रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2, और साइन 15 का रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2, ठीक है ना। तो ये हो गया साइन 15 कॉस 15, ठीक। अब इसी में निकालेंगे हम टेन 75, टेन 75 ऐसे कॉट 15 के बराबर होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा 2 प्लस रूट 3, क्या हो जाएगा, ऊपर में प्लस वाला रहेगा नीचे में माइनस, यहाँ उल्टा हो जाएगा ना, ऊपर में प्लस वाला रहेगा नीचे में माइनस वाला, है ना भाई। तो टेन 75 बराबर क्या हो गया कॉट 15, कॉट 15 क्या होता है 2 प्लस रूट 3, यहाँ माइनस होता है ना 15 में, तो कॉस में कॉट में क्या होता है कॉट में उल्टा होता है मालूम, इसको उल्टा कर देंगे ना, तो नीचे उल्टा करेंगे तो कंजुगेट से गुना करें ऊपर चला कर प्लस हो जाएगा, याद है सबको ना, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ऐसे करें टेन 75 का वैल्यू 2 प्लस रूट 3 होता है, ठीक, सब लिख चुके हैं, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। चले आगे, मिटा दूं जी, अब तो मिटा सकते हैं, अनुमति है। ए भाई साहब देखिए साहब, साढ़े 22 डिग्री, ये बताइए कॉस 2 थीटा का फार्मूला
साइन के फॉर्म में क्या होता है? साइन के फॉर्म में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, वाह एक स्वर में आंसर दिया, सब खूब पढ़ाई हो रहा है ना। तो इसका मतलब कॉस 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। इसको इधर ले आओ 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको इधर ले आओ 1 माइनस कॉस 2 थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय 2। खाली साइन थीटा निकालोगे तो स्क्वायर बन जाएगा रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय 2, यस और नो? तो साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय 2 होगा, ठीक। हाँ या ना, समझ में आ रहा सबको? ओके, तो ये वही है साइन थीटा। ये क्या मानेंगे इसको? साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे? रूट अंडर 1 माइनस कॉस 2 थीटा, क्या लिखेंगे? 2 थीटा। थीटा कितना है? 45/2, 22.5 मतलब, और डिवाइड बाय 2। तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो ये हो गया 1 माइनस कॉस 45/2, यही ना। तो क्या होता है कॉस 45 का वैल्यू? 1 बाई कॉस 45 वैल्यू 1 बाई रूट 2, कॉस 45 1 बाई रूट 2 है ना। और जो 2 है ना, ये ऐसे 2 लिख देता हूँ, ऐसे लिख दूँ, पूरे में डिवाइड ही तो है। तो यहाँ एलसीएम लेंगे रूट 2, यहाँ गुना करूँ रूट 2 माइनस 1, और पहले से क्या है? (2) है। आपको नीचे रूट देखकर हमेशा गुस्सा आता है, मुझे मालूम है ना? इसमें नहीं आता? हमको तो इसमें भी आ रहा है। रूट 2 से गुना, रूट 2 से क्या कर दिया? भाग। जरा करना, रूट 2 इंटू रूट 2 कितना होता? 2 माइनस रूट 2, और नीचे रूट 2 इंटू रूट 2 कितना हो गया? 2 इंटू 2 4 हो गया ना। तो ये फार्मूला हो गया साइन 22.5 डिग्री बराबर ना, देखते रहना खाली, ठीक है ना। रूट अंडर 2 माइनस रूट 2 बाई 2, और कॉस में बस पता क्या होता है? प्लस हो जाता है। कॉस में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक। आपको याद है कॉस 2 थीटा का वैल्यू कॉस के फॉर्म में क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो उसमें जाके प्लस हो जाएगा, है ना? क्या हो जाएगा? हाँ, तो ये जाके इधर प्लस हो गया, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ही प्लस हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो कॉस थीटा बराबर 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय 2, और ये क्या हो जाएगा? रूट अंडर, ठीक। तो सारे प्रोसेस सेम ही है ना, बस उसमें माइनस होता है, इसमें प्लस। तो हम यदि डायरेक्ट लिख दें कि कॉस 22.5 का वैल्यू रूट अंडर 2 प्लस रूट 2, और डिवाइड बाय क्या होता है? 2 होता है। कॉस 22.5 का वैल्यू, कॉस 22.5 22.5 का वैल्यू, ए भाई साहब क्या होता है? रूट अंडर 2 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 होता है, ठीक। ओके, याद रहेगा? हाँ याद रहेगा, मिटा दूं? बच्चे वाला है ना, सही बोला। देखिए
अब बताइए साइन 60 सेन हाफ, इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 22.5 का कॉम्प्लीमेंट्री 67.5 यही ना। अच्छा तो यहाँ क्या लिखें, कॉस 22.5 के बराबर होगा, ये है ना, यही ना। और कॉस 67.5 किसके बराबर होगा? साइन 22.5, इसका कॉम्प्लीमेंट्री है ना, हाँ या ना? यस सर। तो बात ऐसा है सर, कॉस का वैल्यू क्या था? रूट अंडर 2+√2 डिवाइड बाई 2, और साइन का 2-√2 डिवाइड बाई 2, हाँ या ना? ठीक है ना, कोई दिक्कत तकलीफ ना? तो ऐसे करके 67.5 का वैल्यू हो गया। ठीक, चलिए चलिए आगे। याद रहेगा ना? निकालने आता है ना, कभी ऐसी विपत्ति पड़े तो झेल लीजिएगा। ये सिखाया कि नहीं सिखाया? यहां देखेंगे प्लीज, बातें ना करें। अब देखिए साइन 7.5 क्या है? साइन 7.5, हाँ 7.5, ओके। अभी मैंने आपको सिखाया था, याद होगा, साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1-cos2θ बाय 2, यही सिखाया था ना? साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1-cos2θ डिवाइड बाय 2, कोई दिक्कत तकलीफ नो? वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा, फटाफट। अब यहां देखिए, ये समझिए साइन थीटा है, इसका फार्मूला होता है ना, साइन थीटा बराबर रूट अंडर, ठीक है ना, 1-cos2θ। तो कॉस टू थीटा मतलब 15/2 डिवाइड बाय 2, ठीक है ना, ये 2 से 2 कट गया, रूट अंडर 1-cos15 डिवाइड बाय क्या आ गया? समझ में आ रहा सबको? कॉस 15 का वैल्यू √3+1/2√2 सिखाया था ना? कॉस 15 का वैल्यू क्या सिखाया था? हाँ बाय 2√2, ठीक है, दिखा दे रहा, देखने में तो प्रॉब्लम नहीं है। 1-cos15, कॉस 15 का वैल्यू √3+1/2√2 होता है, मालूम? कॉस 15 का वैल्यू होता है ना, कोई दिक्कत नहीं आ रहा समझ में? कॉस 15 का वैल्यू ये होता, लिख दिया, और ये 2 पहले से था ना, ये 2 का हम ऐसे बाय 2 ऐसे बाहर लिख दूं, है ना, ये पूरे में डिवाइड है ना, तो इसको हम अलग से लिखेंगे। समझ में आ रहा सबको? कोई दिक्कत तो नहीं? यहां एलसीएम लेंगे 2√2, कहां गुना करो, 2√2 -√3
माइनस वन, और नीचे क्या है पहले से टू है। ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत? नीचे रूट टू है, इसमें क्या करते हैं रूट टू से गुना, रूट टू से कर सकते हैं, बोलो ना कर सकते हैं। इसमें गुना करो, टू इंटू टू क्या हो टू, तो दो दूनी कितना हो गया माइनस रूट सिक्स माइनस रूट टू, यही ना, दो दूनी चार माइनस रूट सिक्स माइनस रूट टू। और एक काम करो, दो कितने बार है, एक बाहर निकल गया, रूट टू कितने बार है, एक बाहर निकाल दो, कोई दिक्कत? अब बताओ साइन साढ़े सात का मान क्या होगा, रूट अंडर फोर माइनस रूट सिक्स माइनस रूट टू डिवाइड बाय टू रूट, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? नो, ठीक है ना। तो ऐसे साइन साढ़े सात का मान हो गया। ठीक है भाई, रोता क्यों है, साइन साढ़े सात, साढ़े सात का चांस, साढ़े सात का चांस बहुत ही कम है, टेंशन मत लेना, मैक्सिमम चांस है पंद्रह का, पंद्रह का पूरा चांस है, हाँ पंद्रह आता है भाई, है ना, साढ़े बाईस भी आ सकता है, लेकिन साढ़े सात का चांस 0.1 हो सकता है। लेकिन हम लोग सुरक्षा के सारे साधन प्रचुर मात्रा में अपने साथ लेके चले गए कि नहीं, कब टपक जाए कौन ठीक है ना, चांस तो है 0.1 है, लेकिन है ना, है कि नहीं, तो इसीलिए ठीक है। कॉस साढ़े सात में कुछ नहीं, खाली प्लस का साइन लगा दो सब में, क्या था उसमें, उसमें क्या था, उसमें प्लस था ना, वन प्लस कॉस होता है ना, तो वन प्लस सब प्लस ही रहता है उसमें, है ना, तो इसीलिए यहां पर सिर्फ प्लस का साइन लगा दो, फोर प्लस रूट सिक्स प्लस रूट टू डिवाइड बाई टू रूट टू, ठीक सब प्लस होगा। अच्छा ये साढ़े सात का कॉम्प्लीमेंट्री 82 एंड हाफ कितना होगा, 82 एंड हाफ, हाँ ऐसे बोलो, और कॉस का साइन 82 एंड हाफ, दोनों यही पर लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, इसका ये वैल्यू है उसका ये वैल्यू है, ठीक एक ही साथ दोनों, ठीक है याद रहेगा भैया, याद होना चाहिए, आज तो नहीं होगा, कल करेंगे ना, टीमेटी बिल्कुल आराम सब, क्योंकि अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट बल बच्चा नहीं है, लास्ट में खाली एक बच गया, प्रीवियस क्वेश्चन वगैरह कुछ करवाएंगे हैं, जहाँ तहाँ से जो पूछा क्वेश्चन है ओ, ये मिटा दूँ, मिटा दूँ भाई, मिटाने जा रहा हूँ, हाँ सर्कल लाइव है, ए भाई साहब क्या आप तैयार हैं,
यहां देखिए, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी। और माइनस में क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो प्लस माइनस क्या हो गया? कट गया। तो क्या बचा? टू साइन ए इंटू कॉस बी। समझ में आ रहा है ना? तो ये फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का फार्मूला टू साइन ए इंटू कॉस बी। ठीक है ना, याद रहेगा? टू साइन ए इंटू कॉस बी, टू साइन ए इंटू कॉस बी। समझ में आया? देखो भाई साहब, फिर बात करेंगे हम साइन ए माइनस बी, ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का। हाँ, जब बीच में माइनस का साइन लगा देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये वाला कट जाएगा और ये वाला बच जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा? बच जाएगा। तो फार्मूला क्या हो जाएगा? कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है ना, दिखाई दे रहा है? बहुत बढ़िया। ए भाई, क्या दिख रहा है? टू कॉस ए इंटू साइन बी। ओके, समझ आ रहा ना? दिख रहा भाई, भाई बंधु सबको दिख रहा है? ठीक है, तो ऐसे करके, ठीक है ना। एंड सिमिलरली वैसे ही कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, जब हमें निकालना हो, ठीक है, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी हमें निकालना हो, गौर फरमाइएगा। क्या आप तैयार हैं? ओके, अब इसमें हो गया टू कॉस ए इंटू, समझ में आया? देखो, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, और माइनस में होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो प्लस माइनस कट गया ना, तो क्या बचा? टू कॉस ए इंटू कॉस बी ना, कॉस बी, टू कॉस ए इंटू कॉस बी। ठीक, तो ये बच गया टू कॉस ए इंटू कॉस बी। ठीक, लेकिन जब बीच में माइनस का साइन हो, क्या हो? बीच में माइनस का साइन लगाएंगे तो कॉस वाला कट जाएगा, साइन बचेगा, लेकिन इसमें कुछ उल्टा होता, आपको याद है? तो हम माइनस वाले को पहले लिखेंगे और प्लस वाले को, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि प्लस वाला में माइनस आता है और माइनस वाला में प्लस आता है। ठीक, तो निगेटिव न रह जाए, निगेटिव न रह जाए, इसलिए इसको पहले लिख देता हूं, इसको बाद में। ठीक है ना, तो हाँ जी, सुबह सुबह आज हो गया है जो काम। टू साइन ए इंटू साइन बी, टू साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, याद रहेगा? हाँ, याद तो रहेगा ही। देवी और सजनों, क्या आपको तकलीफ है? भगवान आपको भला करे, है ना? तकलीफ नहीं होना चाहिए। ठीक, चले भाई साहब, मिटा दो इसको। ठीक है ना, मिटाने जा रहा हूँ। आजा 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 आजा, फटाफट ना, अभी तो डी आई होगा ना पहले। क्वालिफिकेशन का सिर्फ ऐप पर चलेगा।
हाँ ना, क्या कौन? अच्छा, तो क्या कर दिया? कैस भी होता है। यहां देखिए भाई साहब, आपका ध्यान किधर है? ठीक है, यहां देखिए, बातें ना करें। क्या आप तैयार हैं भाई जी? आप तैयार हैं तो यहां देखिएगा। अच्छा, मिटा दिया फार्मूला मैंने सारा? ओहो, मिटाना नहीं था। चलो तो आप खुद ही देख के बताओ। जैसे अभी मैंने सिखाया था साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, सिखाया था ना, टू साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी, ठीक है ना, टू साइन ए इंटू कॉस बी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना? वेरी गुड। साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, देखो तो अब इस ए प्लस बी को हमने सी मान लिया और इसको हमने डी मान लिया। अब एक नया फार्मूला आएगा साइन सी प्लस साइन डी का, जो बचपन में पढ़े होंगे, है ना, 11वीं 12वीं पढ़े हैं ना, 10वीं में कहां से मिलेगा ये? 10वीं में, 10वीं तो है ही नहीं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, 11th में, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम समझ गए। होगा आपके बुक में लिखा होगा फार्मूला, ऊपर से एक पेज में लिख के चिपका दिया होगा ना फार्मूला। यूपी बोर्ड में है, यूपी बोर्ड में साइंस वाला में है ना, देखो यहाँ देखिए ना, छत्तीसगढ़ में नहीं है और गुजरात में तो बिल्कुल ही नहीं है। गुजरात में क्या होता मालूम? पूछा जाता, मैथ पढ़ना चाहते हो? 10वीं में भी, 10वीं में भी नहीं, ऑप्शनल होता, मन है तो लो तो मत लो। गुजरात के यहाँ कुछ लोगों को मालूम होगा ये बात, है ना, कि उनको ऑप्शनल होता, मतलब इच्छा अनुसार, मतलब मैथ भी इच्छा अनुसार, हर जगह पूरे वर्ल्ड में मैथमेटिक्स 10वीं तक कंपलसरी होता है। गुजरात एक ऐसा राज्य है जहाँ ऑप्शनल है, लेना है तो लो। ठीक है ना, तो बच्चे बहुत कम ही पसंद कर, जिसको टेंशन जो लगा हुआ है वो हटाओ इसको, बहुत लोग छोड़ देते, इसी कारण से मैथमेटिक्स वहाँ पर बहुत ही, हाँ बस हिसाब किताब करने आता है, पैसा का नहीं, समझा, बिजनेस करते हैं ज्यादा लोग। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ देखिए कॉस साइन सी प्लस साइन डी, यहाँ तो 10वीं 12वीं करने के बाद CA CS का इतना मतलब क्रेज होता है, मतलब मेडिकल इंजीनियरिंग का कम, CS CA और CS का हर जगह कोचिंग मिलेगा, हाँ बिजनेस वाले चीज में गुजरात में, और अदर जैसे यहाँ पर क्या है ना कि हर जगह कॉलेज वगैरह सब मिलेंगे ना, वहाँ पर जो है मतलब CA का ही कोचिंग और कॉलेज मिलेंगे ज़्यादा, ये सब कॉलेज कई किलोमीटर दूर पर मिलेंगे, है ना, साइड कर रखा है। चलिए यहाँ देखिए, तो साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी, ठीक है ना, तो देखिए कैसे हम यहां बनाते हैं, प्लीज यहां देखिए, ये फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी का टू साइन ए इंटू कॉस बी होता है ना, तो इसका फार्मूला ये है, ठीक है ना भाई, सुन पा रहे हैं सब लोग? अब इसको हमने सी मान लिया और इसको डी, तो कैसे ए आएगा? हाँ,
ए लाना हो तो सी प्लस डी बाई टू कर दो। आप बोलेंगे सी प्लस डी बाई टू कर दो ए आ जाएगा, हम बोलेंगे हाँ आ जाएगा। कैसे आएगा? देखो सी है हमारा ये और डी है हमारा ये, तो सी प्लस डी डिवाइड बाई टू, तो बी से बी कट गया, कितना आ गया टू ए, और टू नीचे है तो कट के क्या आ जाएगा खाली ए, तो आ जाएगा ना सी प्लस डी बाई टू का मतलब ए होता है। और बी कैसे आएगा? तो सी माइनस डी बाई टू, माइनस कर दो, दो से भाग दे तो बी आ जाएगा। ठीक, तो उसी फार्मूला को देख देख के बताना मुझे, मैं जो लिखा था इसको ए प्लस बी मानना और इसे ए माइनस बी, तो साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला बताओ क्या लिखा है। टू साइन सी प्लस डी बाई टू और कॉस सी माइनस डी बाई टू, फार्मूला बन गया। ठीक, देखो इसका फार्मूला क्या होता है, टू साइन ए इंटू कॉस बी होता है ना, टू साइन ए इंटू कॉस बी, तो साइन ए को हम ये लिखेंगे इतना इतना को सॉल्व करेंगे ना सी प्लस डी बाई टू तो ए आ जाएगा, इसको सॉल्व करने क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। ठीक, इसे सॉल्व दिखाऊं, बी को देखो यहां देखो ए प्लस बी सी हो गया और ए माइनस बी करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये कट गया तो क्या आएगा टू बी, और टू बी बाई टू कितना हो गया खाली बी हो गया। समझ में आ रहा है ना? तो कहने का मतलब ये बनता है कि सी प्लस डी बाई टू करने पर ए आता है और सी माइनस डी बाई टू करने पर क्या आता है बी आता है। ठीक है ना, आप समझ रहे हैं भाई? ठीक है, तो साइन सी माइनस साइन डी निकालोगे तो देखना पीछे क्या लिखा है था फार्मूला, टू कॉस ए इंटू कॉस बी, देखो ना, अरे साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी का देखो ना फार्मूला क्या लिखवाए हैं, टू कॉस ए इंटू साइन बी, टू एक मिनट, टू कॉस ए कैसे आता है सी प्लस डी बाई टू, साइन बी बी कैसे आएगा, हाँ साइन सी माइनस डी बाई टू। आया समझ में कि नहीं भाई लोग को? आया आया? ओके, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला तो क्या लिखवाए हैं, टू कॉस ए इंटू कॉस बी, क्या लिखवाए हैं टू कॉस ए, ए मतलब सी प्लस डी बाई टू और कॉस बी, बी मतलब सी माइनस डी बाई टू। समझ में आया है ना, सी प्लस डी बाई टू और सी माइनस डी बाई टू, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ना, कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर होता है टू साइन सी प्लस डी बाई टू, और यहां पर उल्टा लिखना डी माइनस सी बाई टू है ना, ऐसा मान लिया कि ये प्लस वाला है और ये माइनस वाला, तो उल्टा लिखाता है यहां पर, क्या लिखाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि यदि ये ए प्लस बी होता है ये माइनस बी लिखते हैं तो माइनस हो जाता, क्या हो जाता है माइनस, तो इसलिए यहां पर उल्टा लिखेंगे डी माइनस सी, सर बात करना डी माइनस सी बाई टू जिसे निगेटिव ना हो। समझ आ रहा है ना? हाँ, यदि उस फिर इसको आगे लिखना पड़ता है इसको पीछे लेगा, या फिर इसको आगे लिखोगे तो हम माइनस लग जाएगा, देखो ना। अच्छा आपको सिखाया था ना साइन माइनस थीटा क्या होता है, तो यहां से माइनस कॉमन ले लो तो सी माइनस डी हो जाएगा, माइनस कॉमन लो तो क्या हो जाएगा सी माइनस डी, और वही माइनस आगे लग जाएगा, तो निगेटिव न लगे इसीलिए यहां पर उल्टा करके लिखते हैं। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे डी माइनस सी बाई, यहाँ यह ध्यान रखना थोड़ा रट्टा मार लेना, ठीक है, इसमें उल्टा होता भूलना मत, ठीक है, ओके याद रहेगा सबको रहेगा तो अच्छी बात है, ऐसे रहने दो। और चले आगे, अभी रुक जाइएगा, मिटा दूं तबीयत सजनों, मिटा दूं, आने दो डी आई को, आई को आने दो, सब लोग थोड़ा आ जाएं,
अभी हम फार्मूला सिखा रहे हैं, उसके बाद इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। क्या हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी निकालने जा रहे हैं, ठीक। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, ठीक है ना? सब तैयार हैं भाई? सब तैयार हैं? तैयार हो गए? ठीक है, वेरी वेरी गुड। देखो, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? प्लस और उसका माइनस वाले का क्या होता है? बस उसमें माइनस लग जाता है। तो ए प्लस बी, और यहां क्या लिखेंगे? ए माइनस बी। तो क्या इससे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखे तो कोई जुल्म हो जाएगा? यह है प्लस वाला, कॉस ए साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और ये क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला, दोनों को गुना करेंगे तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा या नहीं? होगा ना? तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया साइन स्क्वायर ए, यह कॉस स्क्वायर बी, से हम वन माइनस साइन स्क्वायर बी ले सकते हैं। कॉस स्क्वायर बी दिखाई दिया है, कॉस स्क्वायर बी को वन माइनस साइन स्क्वायर बी ले सकते हैं। ओके, यह कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए क्या ये? इसे वन माइनस साइन स्क्वायर ए ले सकते हैं। कॉस स्क्वायर ए को क्या लिखा हुआ? कॉस स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे? वन माइनस साइन स्क्वायर ए, और यहां पर क्या ये? साइन स्क्वायर बी, ये क्या लिखा हुआ है? साइन स्क्वायर बी क्या लिखा हुआ है? साइन स्क्वायर बी क्या लिखा हुआ है? साइन स्क्वायर बी। अब गुना करो इसमें, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी, माइनस माइनस प्लस, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी कट गया। क्या है आंसर? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये फार्मूला होता है, याद रहेगा? नहीं समझना? नहीं यार, याद कर लेना, नहीं समझा? यदि समझोगे तो तबियत खराब हो जाएगा, है ना? सॉरी, हाँ, प्लस वाले का प्लस वाला होता है और माइनस वाले का बीच में माइनस होता है। प्लस वाले के बीच में प्लस होता है और माइनस वाले के बीच में माइनस होता है, होता है ना? अरे पगला, तुम क्यों पगला रहे? हमको लिख के दिखाना ही पड़ेगा था, समझदार बनो, बड़े हो गए हो। यह है प्लस वाले का, और ये जो होता है, ये होता है माइनस वाले का, होता है ना? ये होता है प्लस वाले का, ये होता है माइनस वाले का। नहीं बन गया फार्मूला ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, हुआ कि नहीं? तो किसका बन गया फार्मूला? बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बना कि नहीं बना? बोलिए हाँ या ना? ये फार्मूला किसका बन गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाँ या ना? ओके, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं?
इसको तो तुम डायरेक्ट ही लिख लो, मैं कॉस का डायरेक्ट ले देता हूँ, समझना नहीं है, डायरेक्ट बनाना है। कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस, इसको भी सॉल्व करो तो ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है, क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है, ठीक। ऐसे करके बनाते हैं। अब हम आपको इस पर कुछ प्रश्न करवाते हैं तो आइडिया होगा। हाँ, और बच्चे बाहर तो नहीं है, अब बस आई 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 तुरंत आई तुरंत आई तुरंत आई, 10 मिनट रुक जाओ। आइए प्रश्नों को देखें। इसका आंसर ही ले देता हूं, टेन फोर थीटा। बगल में आंसर लिखा हुआ है, देखिए देवी सजनों, क्या आप तैयार हैं? ये फार्मूला है साइन सी प्लस साइन डी का, किसका है, साइन सी प्लस साइन, दिखाई दे सबको, ये किसका फार्मूला है, साइन सी प्लस साइन डी का, क्या होता है बताओ, टू साइन सी प्लस डी 5 3 और कॉस 5 में से 3 गया, 2 थीटा बाई 2, यही ना। अच्छा ये कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है, 2 cos 5 3 ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस 5 में से 3 गया, 2 थीटा बाई 2। काट दो, मैं डायरेक्ट काट दूं, इधर कट गया ना, इधर कट गया ना, देखो साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा क्या हो गया, बस देखो कितना इजी है, 10 4 थीटा, कोई दिक्कत नहीं, फार्मूला याद रहेगा तो बनेगा, नहीं तो ये पहाड़ सा लगेगा, ओ माय गॉड इतना बड़ा। हाँ ठीक, चालू रहिएगा। चलिए जल्दी, आगे कॉट थीटा ही है, ए भाई साहब ऐसे काहे करते हैं, जल्दी जल्दी बनाइए। सबका आ गया, ओके। देखिए कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, ठीक है ना, कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है, 2 cos 7 5 12 by 2 और cos 7 में से 5 गया, 2 थीटा बाई 2, यही ना होता है। अच्छा ये हो गया माइनस बीच में, 2 cos 7 5
और साइन 2θ/2 यही ना, बस 2 से 2 कट गया, ये कॉस 12θ कट गया है ना। अब देखो ये थीटा थीटा, दस कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, तो इसका आंसर कॉट थीटा हो गया। कोई दिक्कत आपको, बोलिए। नो है दिक्कत इसमें, ये हार्ड लगा है, पगला मिटा दूं। ये नर्सरी से भी नीचे लेवल का है। सही बोले आप भाई, सही फरमाए आप। अब आए सब, बाहर खड़े थे क्या, हम इंतजार कर रहे थे। कहाँ गए सब ना, ना देखते रहना। आ गया, बस सब लोग आएंगे हैं। और बाहर कोई है क्या, भेज दीजिए भाई, हम कोई रुके नहीं बाहर, डायरेक्ट ही आ जाए, फटाफट बैठिए, चलिए जल्दी बैठिए तेजी में। और कोई बाहर तो नहीं है, हम इंतजार कर रहे हैं, लोग कहाँ हैं। अरे आगे खाली है देखो, इधर भी गर्ल्स रूम में, इसमें 3 ही लोग हैं। फटाफट फटाफट, आगे खाली है गर्ल्स रूम में, आ जाइए कोई। आगे स्टूल लेके आ जाइए, स्टूल दे दीजिए भाई गर्ल्स को। चलिए तो मेरे हिसाब से फर्स्ट का आंसर आ गया। क्या आंसर है, है? देखो ऐसे इसको बड़ा मान लो, ये ए है और ये बी, ऐसे है ना, तो साइन सी प्लस साइन डी ऐसे ही ना, या इसको सी डी लिख लो ना, सी लिखता हूँ, ये सी है, ये क्या है डी है, तो क्या होता है फार्मूला, 2 sin 3 और 1 4θ/2, और cos 3 में से 1 गया 2θ/2 हाँ ये ना। अब ये सी और ये डी मान लो, क्या होता है 2 cos 4θ/2 और cos 2θ/, ही ना होता है, ये गया, ये भी गया 2θ 2θ, साइन 2θ cos 2θ कितना हो गया, टेन टेन 2θ, हाँ ये ना, ठीक है ना, समझ में आया। पहले तो यहां से माइनस कॉमन ले लो, अच्छा लगेगा, बहुत दुख की बात है। क्या क्या मालूम चला, माइनस कॉमन ली पहले आ गया,
माइनस कॉमन लिया तो ये पहले आ गया, ठीक दिखाई दे रहा है जी। ओके जी, साइन सी माइनस साइन डी का वहां क्या होता है, टू कॉस, तीन और एक फोर थीटा बाई टू, और साइन टू थीटा बाई टू, और ये किसका फॉर्मूला है, कॉस टू थीटा का, किसका है, कॉस टू थीटा का, किसका, कॉस टू थीटा का, हो गया आंसर। ये भी कॉस टू थीटा है, दिखाई दे रहा है ना, ये कॉस टू थीटा, इट कॉस कट गया, इट टू से टू करिए क्या आ गया, टू साइन, इसका आंसर टू साइन थीटा है। ओके बोलो, ओके किसका क्या, अरे माइनस यहां से भी कॉमन लिया और यहां से भी लिया तो कट गया ना, तो माइनस कहां से आएगा, नहीं समझा, माइनस यहां से भी कॉमन लिया और माइनस यहां से, दोनों कट गया माइनस माइनस, ठीक कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है, चले एक मिनट भाई साहब, ठंडा पानी है, आज तो मौसम साफ है बिल्कुल, है ना, बारिश हो गया, हाँ 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 पटना में। ए भाई, अरे हाँ देखिए ये किसी में लग ही नहीं रहा है, तो एक काम करो सबको एक फॉर्म, या सबको साइन में चेंज करो या सबको कॉस में चेंज करो, कि कॉस को क्या ले सकते हो, साइन 80 ले सकते हो, बताओ, इसका 10 का कॉम्प्लीमेंट्री 80 होता है ना मालूम, ओके, और नीचे कॉस का 80 साइन 10, समझ में आ रहा सबको, ये फॉर्मूला किसका है, साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, क्या होता फॉर्मूला, टू कॉस 90 बटा में 2 45, और साइन 70 बटा में 2 35, समझ में आ रहा है ना, 80 10 90 बटा में 2 तो 45, 80 माइनस 10 70 बटा में 2 तो 35, साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, टू साइन 90 बटा में 2 तो 45, और कॉस 70 बटा में 2 तो 35, यही ना, ये दोनों कट गया। अच्छा कॉस 45 साइन 45 सेमी होता है ना, 1/√2 दोनों सेमी होता है, तो क्या बचा आंसर, टेन 35, टेन 35, कोई दिक्कत तकलीफ ना, अब फाइनली सब डीआई वाले आ गए लगता है ना, आधा आधा घंटा लेट आते हैं सब, गलत बात है, हम भी लेट आए हैं, चलिए कल टाइम पे रहेंगे, चुप रहा है, ए भाई साहब यहां देखिए प्लीज अटेंशन, ये कॉस 20 है, इसे क्या लिखें बताइए, इसे कॉस 80 कितना लिखेंगे, क्या चाहे तो 100 रहने दे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक नहीं, दो दो कहीं सॉल्व होगा, और इसे हम क्या ले सकते हैं, कॉस 40 ले सकते हैं, लेकिन माइनस में ले सकते हैं, रुकिए ना मैं बताता हूं, आप हल्ला नहीं करिए, चलो इसको कॉस 100 रहने देता हूं, ठीक, लेकिन इसको हम 180 माइनस 40 ले सकते हैं, तो माइनस कॉस 40 नहीं हो जाएगा, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है ना, इसको ऐसे ले सकते हैं, देखो इन दोनों से क्या बन गया फार्मूला, यहां देखिए फोर्थ नंबर, ये हो गया, इसको मान लो सी और इसको मान लो डी, कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है, टू कॉस सी प्लस डी, 100 प्लस 20 120 बटा में 2, और कॉस 100 माइनस 20
80 बटा में 2 और माइनस कॉस 40, यही ना, ये कितना हो गया कॉस 60, कॉस 40 माइनस कॉस 40। अच्छा 60 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 कॉस 40 माइनस कॉस 40, यही ना, 2 से 2 कट गया। ओके क्या आ गया, कॉस 40 माइनस कॉस 40। ओह सुनना हो गया जी, ए भाई सुनना भाई, ठीक है ना, कल ये अपने अंतिम मुकाम पे रहेगा, ठीक है ना, एकदम इतना ही है ना, 3 पेज 10 क्वेश्चन के आसपास हो जाएगा। कल हम कल लाइव रहेगा भी 8:30 बजे, ऐप पर भी चलेगा, आज के इतना ही 8:30 बजे सर्कल।